आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि 10 तारीख को जो होने वाला है इंटरनेशनल क्या वुमन राइट्स डे है, उस पर उस अवसर पे कुछ बड़ा सेलिब्रेशन कार्यक्रम करने जा रहे हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं दर्शकों को क्या है। स्टिल नाउ मैं अभी जो दिस प्रोग्राम दिस आप लोग का जो सपोर्ट है, जो बैक सपोर्ट है, तो उसको मैं सबको हमारा हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और फ्यूचर का जो प्लान है हमारा, एक्चुअली मैं आपको मीडिया को ये बताना चाहता हूँ, फ्यूचर का जो प्लान है हमारा, जो दिसंबर 10 को जो वी आर ऑलरेडी वर्क विथ द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट मिशन, तो उनका हम लोग हर साल को हमारा जो इंटरनेशनल लेवल पर मानवाधिकार डे को हम लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो पिछले साल भी हम लोग उसको सेलिब्रेट किया था, तो वो लेवल पे हम लोग ये जो आने वाला जो दिसंबर 10 को इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड में यूनाइटेड नेशन जो मानवाधिकार को ह्यूमन राइट्स डे को सेलिब्रेट करते हैं, इसको हम लोग इंडिया में भी हमारा तरफ है हमारा जो डिप्लोमा मिशन को लेके हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमारा इसमें हम लोग ने हमारा यूनिवर्सिटी है जो यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी ग्लोबल पीस का तरफ है, हम लोग कई लोगों अभी डॉक्टरेट का डिग्री देते हैं, ये पिछले साल भी हो गया, अभी आने वाला समय में भी ये डॉक्टरेट का डिग्री हम लोग यूनिवर्सिटी की तरफ देने वाला है। और कई लोग हम लोग ब्रांड एम्बेसडर, पीस एम्बेसडर, गुडविल एम्बेसडर, एम्बेसडर लार्ज, ऐसी कई कैटेगरी में हम लोग ने किसी लोग को, कई सेलिब्रिटीज़, कई कॉर्पोरेट सेक्टर को हम लोग अपॉइंटमेंट करने वाले हैं, उनको हम लोग इसमें ये कर रहे हैं। और हमारा जो चीफ गेस्ट है अभी जो आने वाला दिसंबर 10 का, उसका भी हम लोग ने अभी ऑलरेडी डिसाइड किया है। और कुछ लेवल पर कई लोगों को हम लोग ब्यूरोकास्ट है, जो ह्यूमन राइट्स कमीशन का है, हाईकोर्ट जज है, ऐसी कई लोग हम लोग इन्वाइट कर रहे हैं दिस प्रोग्राम के लिए। तो ये हम लोग का दिसंबर 10 का इवेंट है। दिस इवेंट हम लोग ऑलरेडी नवी मुंबई में रखा है, नवी मुंबई सिक्को एक्सिबिशन सेंटर में होने वाला है। ये 6 बजे स्टार्ट होगा, 10 बजे खत्म होने वाला है, ये हमारा इवेंट का शेड्यूल है। तो इसके अंदर ही हम लोग जो हमारा जो यूनिवर्सिटी का कन्वोकेशन होगा, उसके बाद जो एम्बेसडर डिप्लोमा मिशन को लेकर होगा, और कुछ फिलर है, मतलब जो डांस है, गाना है, और कुछ अवार्ड्स है कई स्पेशल कैटेगरी में कुछ लोगों, ये सब हम लोगों ने प्लान किया है, ठीक है ना। ये हर साल होता रहता है, तो ये अभी दिसंबर 10 को होगा। तो हमारा इसका पहले भी अभी ये दिस साल में हम लोग ने अभी 2 इवेंट ऑलरेडी हमारा जो टीम ऑलरेडी जो हमारा जो इवेंट मैनेजमेंट जो कंपनी के अंदर हम लोग ने किया था, एन कंसल्टेंसी इंडिया के अंदर। एक तो हमारा जो एक ब्रांड है द FMBF, उसका हम लोग पिछले साल भी एक इवेंट किया था। FMBF मीन फिल्म मीडिया बिजनेस एंड अकाडमी, इसको लेके हम लोग अवार्ड देते हैं, तो ग्लोबल एक्सलेंसी अवार्ड होता है इसका। तो हर साल हम लोग ये जो कैटेगरी में जो लोग काम कर रहे हैं इंडिया में, तो उन लोग हम हर स्टेट से हम लोग बुलाते हैं और उनको हम लोग अवार्ड देते हैं। FMBF के अंदर ग्लोबल एक्सलेंसी अवार्ड बोलते हैं, और उसके अंदर भी हम लोग ने जो इंटरनेशनल फैशन शो को भी हम लोग इसके अंदर इन्वॉल्व करते हैं। तो ये हमारा एक सेगमेंट है, ऐसी 2-3 सेगमेंट है। तो अभी मैं एक खुशखबरी ये देना चाहता हूँ मीडिया को, आज का दिन में अभी नेक्स्ट ईयर में द निश का नाम से वी आर ऑलरेडी लॉन्चिंग द फैशन ब्यूटी पेजन, ये हम लोग करना चाहता हूँ। तो मैगजीन का नाम से हम लोग अगले साल में एक ब्यूटी पेजन को लॉन्च करना चाहता हूँ। ये भी हम लोग हर साल में इंडिया में कई स्टेटों में हमारा जो टीम काम कर रहा है डिप्लोमा मिशन को लेके, कम से कम 20-25 स्टेटों में हमारे लोग काम कर रहे हैं। अभी जो इवेंट हो गया September 28 को द क्लब में, तो हम लोग ने जम्मू कश्मीर से जो लोग है उसको भी डॉक्टरेट दिया था, कई केरला से आया था, कोई दिल्ली से आया था, कोई झारखंड से आया था, उसको सबको हमने ऑलरेडी 10 लोगों को हम लोगों ने डॉक्टरेट दिया था। तो ये हमारा फ्यूचर का जो सेगमेंट है, मतलब एक ब्यूटी पेजेंट द FMBF एंड द हमारा जो मानवाधिकार डे को हम लोग हर साल को सेलिब्रेट करने का प्लान हमारा है। ये हर स्टेट में होने का प्लान है, और अभी जो हर स्टेट में जो टीम काम कर रहे हैं तो उनका सपोर्ट भी हमारा है, तो इसमें कई लोग इन्वॉल्वमेंट है, तो वो मिशन एक बड़ा मिशन है, इसको लेके हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमारा जो चलते चलते एक आखिरी सवाल के कुछ अपील करना चाहेंगे लोगों से जो 10 तारीख को, और कैसे जुड़े आप जो लोग जुड़ना चाहते हैं? तो चीज़ ऐसा है, देखो अभी जो हम लोग पीस एंड ह्यूमैनिटी का मेन जो हमारा जो मुद्दा है, जो बुलेट्स है, जो पॉइंट्स है, वो पीस एंड ह्यूमैनिटी है, उसको लेके हम लोग काम कर रहे हैं। तो एक इसके अंदर ह्यूमैनिटी और पीस, इसको हम लोग मेन पॉइंट्स में रखा है हमारा मिशन को लेके। और जो फैशन इंडस्ट्री को हम लोग इसलिए सपोर्ट कर रहा हूँ, तो जो वुमन एम्पावर के लिए हम लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब जो इंडस्ट्री में फैशन इंडस्ट्री में एक अलग नज़रिया था पहले, उसको हम लोग ने अभी पूरी तरफ चेंज किया है। तो फैशन इंडस्ट्री को जो रिकग्निशन, जो मॉडल्स को जो इसमें पार्टिसिपेशन हो रहा है उनको एक रिकग्निशन, उनको एक आइडेंटिटी वो हम लोग दे रहे हैं, तो इसके हिसाब से हम लोग उसको पूरी तरफ इनको जो ये मिशन को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, फैशन इंडस्ट्री को, जो न्यू कमर्स को, और जो आने वाला जो फैशन शो को, इसके लिए हम लोग इसमें कई डिज़ाइनर है, कोई मेकअप मैन होगा, कैमरामैन होगा, और बाकी लोग हम लोग इसके अवसर देते हैं। ये हमारा
मिशन है, इसके लिए हम लोग ये सब कर रहा हूँ। अभी लोगों से अभी हमारा जो मिशन में जो जोड़ा है, जो कई लोग हैं, बहुत काफ़ी लोग हैं, तो उसको सबको हमारा अपील है, हमारा साथ ह्यूमैनिटी और पीस को लेके आने वाले टाइम है, और फैशन इंडस्ट्री बाकी सब जो एक्टिविटी को लेके, तो आप लोग हमारे लिए साथ में सपोर्ट करें, साथ में हम लोग के लिए ये दे रहे हैं सहायता, जो भी सपोर्ट हमको चाहिए वो हम लोग आप लोग से उम्मीद करता हूँ, ये हम लोग सबको अपील करता हूँ, जो इसलिए ब्लेसिंग चाहिए, ब्लेसिंग और आशीर्वाद ये सब हम लोग उम्मीद रखते हैं, ठीक है, बेस्ट विशेष ये सब करता हूँ। और आखिरी में अभी मैगजीन का जो सायरा साहब बैठा है, तो सायरा साहब को मैंने मैगजीन का जो लेटेस्ट एडिशन जो लॉन्च करने के लिए मैं उनको ये कर रहा हूँ, उनको ये कर रहा हूँ।